हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपना खुद का हिंदी फॉन्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हम किस तरह से हिंदी का फॉन्ट बना सकते हैं। मैंने अपना जो हिंदी फॉन्ट बनाया है यहाँ पर, ये जो अक्सर आपको लिख करके मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने अपने खुद के हाथ से लिखे हुए, हाथ से मतलब कंप्यूटर के अंदर माउस से मैंने लिख करके फॉन्ट बनाया है। आप हाथ से पेन से लिख करके भी बना सकते हैं, एक ही बात है। तो इस तरह का आप कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से आपको इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो जो हमने फॉन्ट राइटिंग वाला था, किस तरह से आप इंग्लिश फॉन्ट बना सकते हैं अपनी हैंडराइटिंग के अंदर, वो तो देखा ही होगा। उसके अंदर मैंने एक साइट बताई थी, calligrapher.com। वो साइट ही आज इस वीडियो के अंदर हम यूज लेंगे, साथ ही दूसरे जो सोर्स यूज लेंगे मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। उस साइट के ऊपर पिछली बार की तरह आपको जाना है और वहां से टेम्पलेट डाउनलोड करना है। टेम्पलेट कैसे डाउनलोड करना है मैंने आपको बताया था, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, अब दोस्तों टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद में, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जैसे बताया था वैसे करेंगे, जैसे कि आप चाहें तो उस टेम्पलेट का प्रिंट आउट निकाल करके अपने हाथों से अक्सर लिख सकते हैं, एक तरीका, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं वो करके नहीं बता रहा हूं। मुझे लगता है मैं कंप्यूटर के अंदर करके आपको एग्जाम्पल लिए बता दूं। तो कंप्यूटर के अंदर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, जो टेम्पलेट हमने डाउनलोड किए हैं उनको आप फोटोशॉप वगैरह किसी सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन करेंगे, और फिर वहां से एक तरीका तो है कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर जैसे देखा था हाथ से लिखे हुए अक्षरों को वहां पर पुट कर दें, कॉपी पेस्ट वैसे भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि वहीं पर आप माउस से ब्रश टूल सेलेक्ट करके फोटोशॉप के अंदर, और वहां पर माउस से आप कह गए इस तरह से लिख दें, ठीक है। तो दो तरीके हैं, मैं आज ये जो माउस से आप लिख सकते हैं ये वाला तरीका आपको बता रहा हूं। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर आपको जो कृतिदेव फॉन्ट है उसके अंदर जो अक्षर जैसे जैसा लिखे जाते हैं उसके अंदर जो उनका मेथड है उसको मैं यूज में ले रहा हूँ। तो यानी कि कृतिदेव के अंदर हम डी दबाते हैं तो कै बनता है, छोटा डी दबाएंगे तो कै बनता है। इसी तरह से हम जो उसके अंदर अक्षर दबाते हैं जो बनता है वही हम जो फॉन्ट बनाएंगे उससे बनेगा। अब मान लीजिए ए बी सी डी है, तो जैसे मान लीजिए डी है तो डी के ऊपर हमें कै बनाना है, छोटी डी के ऊपर, बड़ी डी के ऊपर छोटा कै बनाना है, ऐसे हमें करना है। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पर बना लेता हूँ, एक मैं यहाँ पर बना लेता हूँ गाइडलाइन, मेरे लिए जो ये बॉक्स हैं उनके हिसाब से मैं कुछ गाइडलाइन बना लेता हूँ कि ये दो लाइनें कुछ होगी उनके बीच में अक्सर आएगा, ऊपर मात्रा आएगी की को की मात्रा, और नीचे कु वगैरह की जो मात्रा आएगी वो आ जाएगी। तो ये मात्राएं यहाँ पर किस तरह से आएगी, अगर ये फॉर्मेट इस तरह से आप नहीं करेंगे तो अक्सर क्या है छोटे बड़े या ऊपर नीचे हो सकते हैं। एबीसीडी जो हमने लिखी थी उसके तो बैकग्राउंड के अंदर जो थे अक्सर हमारे लिए आसान थे। तो देखिए मैं इस तरह से कुछ अपना गाइडलाइन बना लेता हूं। अब ये जो हमने गाइडलाइन बनाई है उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, अक्सर लिखूंगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, जैसे कै ये इस तरह से लिखा, और गाइडलाइन के ऊपर हिसाब रखते हुए मैं यहाँ पर सारे अक्सर लिख रहा हूँ, आप देखिए। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बता दूं कि जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं कहाँ से ले गया, जैसे डी के ऊपर ये कैसे, तो इसके लिए जो जेपीजी फाइल है नेट के ऊपर आपको खूब सारी मिल जाएगी, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। उस जेपीजी फाइल फोटो जो होगी उसको आप देख सकते हैं कि ए किसी का क्या आएगा, बी किसी का क्या, जो कृतिदेव के जो अक्षर हैं वो सारे के सारे आप देख सकते हैं। तो उसके अंदर ए बी सी डी है सारे। तो ऐसे करते करते मैंने क्या किया, पूरे के पूरे जो अक्षर है ए बी सी डी वगैरह के सारे लिख लिए। अब सब मैंने जब लिख लिए तो अब हमें क्या करना रह गया, इस टेम्पलेट को तैयार जो किया है पेज उसको वापस उस साइट के ऊपर अपलोड करेंगे। और जैसे कि यहाँ पर टेम्पलेट के ऊपर जाकर के अपलोड, और ये अपलोड हो गया, और अपलोड करने के बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी अक्षरों की साइज गैप कर, उसके बाद बिल्ड फॉन्ट करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। आज हम इसके अंदर कोई करेक्शन यहाँ पर नहीं करेंगे, करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, जैसा है उसको हम TTF फॉन्ट के अंदर या OTF के अंदर आप चाहें उसके अंदर डाउनलोड कर। अब हमने क्या किया, इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद में अब मैं एक दूसरी बात बताऊं, अब आप एक दूसरा सॉफ्टवेयर है फॉन्ट फॉर्ज नाम से, बिल्कुल ओपन सोर्स है, फ्री सॉफ्टवेयर है, और इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कई सारे लिंक आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। तो अब क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है, लिंक दे दिया तो उसे डाउनलोड कर लें आप अपने कंप्यूटर के लिए। डाउनलोड करने के बाद में ये ओपन करेंगे, अब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। इसके अंदर आप ओपन करते हैं जो पुराने जो फॉन्ट आपके कंप्यूटर में है, कोई भी आपके पास में फॉन्ट फाइल है उनको भी अक्षरों को इस एडिटर के अंदर, जो फॉन्ट एडिटर है ये फॉन्ट फोर्ज, इसके अंदर ला करके अक्षरों को मॉडिफाई करके अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं। इसके अंदर ये ऑप्शन है। इसके अलावा इसके अंदर आप खुद के अपने फॉन्ट बना भी सकते हैं, फॉन्ट बनाने का ही एक सॉफ्टवेयर है। हमें क्या करना है, जो हमने डाउनलोड किया था उस वेबसाइट से फॉन्ट हमारा जो हैंडराइटिंग वाला, उसको इसके अंदर हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद में हमें क्या करना है, जो फुल अक्षर है
और आधे अक्षर जैसे क, फुल हो गया, आधा हो गया, प, फ, क, ख, ग, घ, ड, जितने भी हैं जो मैंने लिखे थे, उन सभी अक्षरों को हमें ज्यादा हाथ लगाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अक्षर मात्रा वाले हैं, ओ की मात्रा, को की मात्रा, का की मात्रा, कु की मात्रा, ये सारी मात्राएं हैं, या ई के ऊपर वाली मात्रा, ये कुछ, ये चंद्र मात्रा, ये सारी जो मात्राएं लगती है, इनको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। इनको एडजस्ट कैसे करेंगे, जस्ट क्या करना है आपको, इन मात्राओं में से किसी एक मात्रा में ले लेता हूं, उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहां पर इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे। तो हमें करना क्या है कि इनको इसके कुर्तिदेव के हिसाब से एडजस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैट्रिक्स मेन्यू के अंदर आप जाएंगे, न्यू मैट्रिक्स विंडो ओपन करेंगे और यहाँ पर आप अगर कुछ लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे कि के ई डी लिखा, जिसे कम ये नाम आ गया, तो इनके बीच की एक तो यहाँ पर दूरी थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक है, छोटी सी प्रॉब्लम है इसकी दूरी की। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या है, वो ये है कि आप जैसे मात्रा लगाएंगे, जैसे ये मात्रा लगाई ऊपर, दो मात्रा, तो ये इनके ऊपर नहीं आ रही है, ये मात्रा नहीं आ रही है और ये मात्रा नहीं आ रही है, देखिए ये वाली मात्रा नहीं आ रही, की को की और कु वाली मात्रा भी नहीं आ रही, जैसे ये कु की मात्रा, ये सब अलग अलग जगह आ रही है, ठीक है, तो हमें इनका एडजस्टमेंट करना होगा। जैसे एक ये मात्रा है, इसका भी एडजस्टमेंट करते हैं। इनका करने के लिए क्या करना होगा, आपको डबल क्लिक करना होगा, जस्ट सिंपल डबल क्लिक। तो मान लीजिए इसका एडजस्टमेंट करना है, डबल क्लिक कर दें। अब आपको क्या करना है, यहां पर इसके नीचे क आएगा तो इसको आपको इस साइड में ले लेना है। तो इस मात्रा को हमें क्या करना है, एक बात ध्यान रखें, ये जो लाइन है 0 से -, में आपको नहीं लेनी है, TTF फॉन्ट के अंदर दिक्कत हो सकती है, तो इसको इस साइड में नहीं लेना है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है हमारा जो मात्रा है, इनको इस साइड में ले लेते हैं पकड़ के। तो सेम उसी दूरी पर हम थोड़ा सा इस साइड में ले लेते हैं, ले लिया। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये अगर आप इधर नहीं करेंगे तो स्पेस आ जाएगा अक्षर के, यहाँ पर मात्रा के बाद में इतना स्पेस खाली पड़ा रहेगा, तो नेक्स्ट कैरेक्टर के बीच में स्पेस आ जाएगा, इसको एकदम नजदीक में लाकर यहाँ छोड़ दें। ये दोस्तों यहाँ पर कई सारे टूल्स हैं जिनको यूज लेकर के आप यहीं पर ड्रॉ कर सकते हैं, फॉन्ट के जो अक्षर हैं वो सब यहीं पर ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमें नहीं करने, हम तो वैसे लिख करके लेके आ गए। अब इसको बंद कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये अक्षर के अंदर चेंज हो गया, डबल क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इस तरह से चेंज हो गया। और इसी तरह से ऊ की मात्रा है, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल के साथ में, आप इस तरह से जूम इन आउट कर सकते हैं, और इस मात्रा को भी सेम उसी तरह से मैं इस साइड में ले लूंगा, मान लीजिए यहां मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद है छोटी ई और बड़ी ई की जो ये मात्राएं हैं, इनको ले लेते हैं। अब उसके लिए इसको इधर नहीं लेने की जरूरत है, इसी गाइडलाइन को हम यहां पर कर देंगे, जिससे नेक्स्ट करेक्टर क्या है यहीं से आ जाएगा, ठीक है, तो ये कर दिया। और इसके बाद में बड़ी ई वाली है, उसको इस साइड में लेने की जरूरत है, तो उसको मैं इस साइड में यहां पर ले लेता हूँ, ले लिया। और इसको यहाँ करता हूँ, बस का की मात्रा, इसको भी थोड़ा सा इस साइड में करके यहाँ पर कर देते हैं, जो चंद्र मात्रा लगाते हैं ये वाला, तो इसको भी ऐसे ही हमें क्या करना है, इस साइड में लेना है, ऊपर नीचे आप ना ले, शिफ्ट के साथ में सिर्फ इस साइड में ले लें। अब आपने जो भी अक्षर लिखे थे उनके अंदर ये इस तरह का एडजस्टमेंट कर लिया, अक्षर हमारे तैयार हैं। अब क्या करेंगे, फॉन्ट को एक्सपोर्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं मैट्रिक्स के अंदर, न्यू मैट्रिक्स विंडो, और यहाँ पर कुछ अक्षर लिख करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं डी और फिर का की मात्रा, के से आती है, तो ये का और मैं इस तरह से आ गया। अब जब हमने इन सभी मात्राओं को एडजस्टमेंट कर लिया, सही कर दिया है, करेक्शन सही कर दिया, अब इस फॉन्ट को हम एक्सपोर्ट यहाँ से करेंगे। चलिए अब हम इनको क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, फाइल के अंदर जाएंगे, जेनरेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद में आप अपने फॉन्ट का नाम यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे कि ABC इस तरह से हमने लिख दिया, और यहाँ पर आप TTF ट्रू टाइप सेलेक्ट कर लें, ट्रू टाइप, जेनरेट, यस, हो गया। तो चलिए इस फॉन्ट को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, न्यू हिंदी फॉन्ट जो ABC है, कुछ इस तरह के इसके अंदर अक्षर आएंगे, इंस्टॉल। अब ये जो फॉन्ट आपने जनरेट किया है उसको आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में आप फोटोशॉप या दूसरा कोई एप्लीकेशन, अगर खुला है तो बंद करके ओपन करेंगे, अदरवाइज उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में ये आप अपना फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं लिस्ट में से, और जो कुछ अक्षर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप हिंदी टाइपिंग जो है फटाफट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाएंगे, गूगल ट्रांसलेट सर्च करेंगे और यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे गूगल ट्रांसलेट के अंदर, और आप कुछ भी इंग्लिश में लिखेंगे, जैसे कि RAM लिखेंगे तो राम अपने आप बन जाएगा।
अब ये जो राम बन गया है हिंदी में या जो भी जो अक्षर हम लिख रहे हैं, इन अक्षरों को आप कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद में मैंने कई सारे अक्षर लिखे हैं, कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद में एक वेबसाइट जो है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ऐसी खूब सारी साइट्स हैं जैसे कि यूनिकोड टू कुर्तिदेव जनरेटर, तो ये यूनिकोड से हम कुर्तिदेव के अंदर कन्वर्ट करेंगे, पेस्ट कर दें और उसको कन्वर्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर आप फोटोशॉप के अंदर लेकर के आएंगे। फोटोशॉप के अंदर लाने के बाद में आप क्या करेंगे, आप पेस्ट कर देंगे अपने फॉन्ट के अंदर और यहाँ पर ये आपका फॉन्ट आ गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना फॉन्ट बना सकते हैं हिंदी के अंदर। दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ बातें बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर इस ये फॉन्ट इतना ज्यादा आपको हो सकता है अच्छा नहीं लगा होगा, कारण ये एक तो मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैंने मात्रा गु की ऊ की कैसे उल्टी पुल्टी कर दी, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा क्या है कि हमने उन मात्राओं को एडजस्टमेंट सही तरीके से नहीं किया, मात्राएं भी सही तरीके से नहीं लगे, थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट रह गया, तो ये करेक्शन है। जब आप भी अपना अगर फॉन्ट इस तरह से बनाए तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका जो फॉन्ट आपने बनाया है वो कैसा बना है, मुझे पूरा विश्वास है आपका मेरे वाले से तो अच्छा ही बना होगा। अच्छा एक बात और बता दूं दोस्तों, मैं हर संडे को एक वीडियो आपके कमेंट सेशन का बनाता हूं, जिसके अंदर सप्ताह भर की जो आपकी कमेंट्स होती है, सभी तो नहीं लेकिन कोशिश करता हूं अधिक से अधिक कमेंट्स आपकी वीडियो के अंदर शामिल करूं और उन कमेंट्स का एक वीडियो बनाकर मैं अपलोड करता हूं, तो वो जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।